नगर पंचायत जवाली में लोगों पर लगाए गए टैक्सों को लेकर भाजपा व कांग्रेस गुट में जनता बट गई है। दोनों ही गुट आमने सामने आ गए हैं तथा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा आरोप लगा रही है कि टैक्स नगर पंचायत द्वारा लगाए गए हैं, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि टैक्स केंद्र सरकार द्वारा थोपे गए हैं। नगर पंचायत जवाली के वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस समर्थित वार्डवासियों ने टैक्सों को लेकर पार्षद पूजा रानी के नेतृत्व में मोर्चा खोला, तो वहीं पार्षद पूजा रानी का कहना है कि टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए हैं, ना कि कांग्रेस ने टैक्स लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं वार्डवासियों के साथ हूँ तथा मांग करती हूँ कि जनता पर थोपे गए टैक्सों को माफ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग गरीब हैं तथा इतना टैक्स नहीं भर पाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ एक लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं तथा जानबूझकर विकास में रोड़ा अटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि वार्ड में कई विकासात्मक कार्य चल रहे हैं तथा कई विकास कार्य होंगे। इस मौके पर गुलशेर सिंह, राजीव कुमार, मुकेश मेहरा, शुभम, अमित चौधरी, करनाल सिंह, राजमल, मीनाक्षी, रीना सहित काफ़ी लोग मौजूद रहे। यहाँ पर जो मेन मुद्दा है यही है कि जो हाउस टैक्स आए हैं, लोगों का ये कहना है कि यह आया कहाँ से, तो ये आया सेंट्रल गवर्नमेंट से। और हम बस ये चौधरी चंद्र कुमार से बस यही मांग करते हैं कि ये लोग जो आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है वो ये जो है नहीं भर सकते हाउस टैक्स। और बाकी तो चौधरी चंद्र कुमार जी की बहुत देन है, यहाँ वार्ड नंबर 1 में हमारी बहुत सुविधा है। हमारी बस ये है कि यहाँ पर डिस्पेंसरी बनाई जाए और जो पार्क है और भी कई सुविधाएँ वो हमें उन सुविधाओं से अवगत कराया जाए। और बाकी ये जो लोग हमारे साथ गांव के, हम उनके साथ खड़े हैं। ये हाउस टैक्स जो है नहीं पास कर सकते, हम उनके साथ ही खड़े हैं। मरवानी के जो नगर पंचायत के वासी हैं साफ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इम्पोज किया हुआ है कि घरों के ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं उसके विरोध हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वार्ड नंबर 1 के इतने नागरिक नहीं हैं जो कि इस टैक्स को दे सकते हैं। कुछ लोग जो हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो लोग इस टैक्स को नहीं दे सकते हैं। लेकिन श्री चंद्र कुमार जी ने, यहाँ जो MLA हैं, उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट करवाई हुई है, जिन्होंने जो नगर पंचायत यहाँ पे लाके काफ़ी डेवलपमेंट करी हुई है। लेकिन अभी उनसे मुझे गुजारिश है कि वो इस टैक्स को रोकें और जो वहाँ यहाँ पे वार्ड नंबर 1 में जो डेवलपमेंट करवाया जाए, जैसे कि डिस्पेंसरी हो, पशु चिकित्सा हॉस्पिटल हो, या सीवरेज की व्यवस्था की जाए, जैसे स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए, जैसे इस तरह की मांग उनसे करते हैं। अगर ये डेवलपमेंट है वो करवाते हैं तो हम उनके साथ हैं, नगर पंचायत के साथ हैं। कि हमारा जो टैक्स है वो क्यों लगाया गया है, पर लोगों को ये पता नहीं है कि टैक्स कहाँ से आया। टैक्स आया सेंट्रल गवर्नमेंट से। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमें फंड रिलीज करती है वो सारे रोके गए हैं, और जो फिर जो यहाँ की हिमाचल की गवर्नमेंट है उन पे प्रेशर डाला गया है कि आप यहाँ पे टैक्स लगाओ तभी आपका फ़ंड रिलीज होगा, अदरवाइज़ हम नहीं देंगे आपको। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी सरकार है ऑल इंडिया में, तो फंड सारा सेंटर से आता है। कोई भी स्टेट हो, हरियाणा, पंजाब, UP, कोई भी हो, हिमाचल, सेंटर गवर्नमेंट सेंटर रिलीज करती है और स्टेट को गवर्नमेंट को देती है। वो चाहती है कि मैं इसको 11 करोड़ दूं, 11,000 करोड़ दूं या 11 लाख करोड़ दूं, वो सेंटर गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वहाँ से फंड रोके जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है, और यहाँ को लोगों को भ्रमित किया जाता है कि चंद्र ने रोक दिए, उस पार्षद ने रोक दिए, उसने रोक दिए, ये सब मिसगाइड करने वाली बात होती है। माननीय चंद्र कुमार महोदय से यही अपील है, जो हमारा टैक्स लगाया गया है उसको माफ़ किया जाए, और लोगों को जो मेरी लोगों से यह अपील है कि भ्रमित ना हो, किसी की बातों में ना आए और मिसगाइड ना हो। निवासी जहाँ पे आए हुए हैं जी, हम ये जो हाउस टैक्स जहाँ पे लगाया गया है उसके बारे में एकत्रित हुए हैं कि हाउस टैक्स से माफ़ किया जाए, पर जहाँ पे कुछ लोग जो हैं हमारे गांव के जो लोग हैं उनको मिसगाइड कर रहे हैं कि ये नगर पंचायत तोड़ दी जाए तो शायद उनको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि नगर पंचायत में ही हमारे जो वार्ड नंबर 1 है जो इसमें जोड़ा गया है नगर पंचायत में, उसकी जो आगे की जो डेवलपमेंट है इसके अंदर ही रह के हो सकती है, क्योंकि चौधरी चंद्र कुमार जी ने जहाँ पे काफ़ी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको गांव को यहाँ पे करवाया और उनकी ही देन है। जो भी कुछ भी डेवलपमेंट हमारे वार्ड में या ज्वाली में नगर पंचायत में हुई है चौधरी चंद्र कुमार जी की ही देन है। पर और जहाँ पे जो दूसरी पार्टी BJP वाले हैं वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो डिस्पेंसरी की जहाँ पे जगह है नाजायज़ कब्जे किए हुए हैं, तो ये चाहते हैं कि नगर पंचायत ना बने और डिस्पेंसरी भी ना बने, जिससे वो उन्होंने कुछ भूमि जो है उनके द्वारा जो रोकी गई है। हिमाचल प्रस्तुत के जवाली से राजेश कौल की रिपोर्ट।